हेलो गाइस आई एम रवि प्रकाश यादव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट एमएल। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग थ्योरी के पार्ट फोर में लॉस ऑफ लर्निंग के बारे में सीखेंगे लर्निंग थ्योरी में लर्निंग कैसे होता है उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं लॉ हैं प्रिंसिपल हैं उसमें से आज हम एक प्रिंसिपल की बात करेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जिसको आप लॉस ऑफ लर्निंग भी कह सकते हो दे प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट इन टू वट मेक्स पीपल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली कोई भी व्यक्ति है वो कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं या मेथड्स कह सकते हैं आप हैं जिनको हम लॉस या प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रेडिनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ प्राइमेसी लॉ ऑफ रिसेंसी एंड अदर्स सो इस वीडियो में हम लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में जानेंगे सो द लॉ ऑफ इफेक्ट प्रिंसिपल वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड थर्नडाइक। सो एडवर्ड थर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये तीन लॉ लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो कि दे आर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग बहुत ही बेसिक या आप कह सकते हो जो हमारे जीवन में जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जिस प्रिंसिपल से वो प्रिंसिपल थे तीन प्रिंसिपल हैं मेनली लॉ ऑफ इफेक्ट रेडीनेस और एक्सरसाइज कोई बेबी है तो वो इन्हीं तीन मेथड्स से मोस्ट ऑफ द लर्निंग करता है इन्होंने एक थ्योरी और भी दी थी इसको आप थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहते हैं जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, अब हम सीखेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है लॉ ऑफ इफेक्ट इन इट स्टेट्स रिस्पांसिस दैट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम्स मोर लाइकली टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स दैट प्रोड्यूस अ डिसकम्फर्टिंग इफेक्ट बिकम लेस लाइकली टू अकर अगेन इन दैट सिचुएसन सो लर्निंग थ्योरी में लॉ ऑफ इफेक्ट ये हमें बताता है कि कोई भी रिस्पॉन्स या बिहेवियर किसी सिचुएशन में अगर आपको सुख देता है प्लीजेंट देता है सेटिस्फेक्शन देता है तो उस सिचुएशन में या उस स्टिमुलस में उसको आप बार बार रिपीट करेंगे अगली बार फिर रिपीट करेंगे बट अगर वो आपको डिसकम्फर्ट देता है अनप्लीजेंट होते हैं उससे आप तो उस उसके जो रिस्पॉन्स की जो लाइवलीहुड होगी वो घटेगी डिक्रीज होगी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी डॉक्टर है सिंपल अगर किसी मरीज को दवा देता है उससे उस अगर ठीक हो जाता है तो अगली बार वो दवा फिर रिपीट करेगा बट अगर उस दवा से उसको कुछ डिसकंफर्ट होता है ठीक नहीं होता है तो वो दवा नहीं देगा राइट इसको आप भी से आप देख सकते हैं इफ एन एसोसिएशन इज फॉलोड बाय ऑफ अफेयर इट विल बी स्ट्रेंथेंड एंड इट इज फॉलोड बाई एन एनवाइंग स्टेट ऑफ अफेयर इट विल बी बी केंडेड राइट सो अगर कोई भी स्टिमुलस या रिस्पॉन्स में फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है इसमें आपको सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है खुशी मिलता है इट विल बी स्ट्रेंथन वो आप मजबूत हो जाएगा मतलब उसको आप रिपीट करेंगे फिर से बट अगर वो आपको एनवाई करता है उससे आप एनॉयड मतलब आप कह सकते हो पनिशमेंट मिलता है अगर आपको वहाँ पे पनिशमेंट मतलब कह सकते हो कि आप वहाँ पे आपको लॉस होता है या आप डिसकम्फर्ट फील करते हैं तो उसकी जो वो 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 रिस्पॉन्स आपका कमज़ोर होगा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है वो आप उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट दो तरीके से कर सकते हैं या तो आप उसको डांट के पढ़ाएं या उसको आप कुछ गिफ्ट करेंगे अगर आपने ये ये चीज़ याद कर लिया तैयार कर लिया तो आपको कुछ गिफ्ट करेंगे सो so, जब भी वो पढ़ने बैठेगा तो उसे ये याद रहेगा कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये गिफ्ट मिलेगा ट्रीट मिलेगा सो so, बार बार ये क्या होगा कि उसका जो पढ़ने के साथ और ट्रीट के साथ उसका एक पॉजिटिव एसोसिएसन हो जाएगा इस इसी को लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं राइट right? स्टेट मतलब री इसको हम कहते हैं एन एनवाइंग जिसको आप पनिशमेंट भी कह सकते हैं री और पनिशमेंट क्या होता है री एन्फोर्समेंट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग अ बिहेवियर एंड पनिशमेंट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग अ बिहेवियर मतलब जिसके आपको डिसकम्फर्ट होगा उसको आप कम करेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी और जिससे आपको कंफर्ट होगा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको आप बढ़ाएंगे राइट री इनफोर्समेंट एक्चुअली इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर राइट हमने पहले ही बताया आपको कि जो री मतलब एक पॉजिटिव या आप कंफर्टेबल होंगे जिसने उसको आप रिपीट करेंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे वाइल पनिशमेंट डिक्रेज द लाइवलीहुड किसी भी रिस्पांस या बिहेवियर की जो लाइवलीहुड होगी वो घटेगी फॉर एग्जांपल जो एडवर्ड थॉर्न डाइक थे उन्होंने एक पजल बॉक एक्सपेरिमेंट के द्वारा लॉ ऑफ इफेक्ट को देखा था इसमें एक बिल्ली को वो एक बॉक्स में जिसको उन्होंने पजल बॉक्स नाम दिया था उसमें बंद कर देते हैं और उसमें खोलने के लिए एक लीवर है जिसके अगर वो प्रेस करेगी तो दरवाजा खुल जाएगा राइट और बिल्ली को बंद करने के बाद उसके बाहर फूड रखा उन्होंने मतलब अब बिल्ली को आप एक्साइट कर रहे हैं कि वो दरवाज़ा खोल के बाहर आके फॉर एग्जांपल जो बाहर खाना रखा है उसको खाए तो बिल्ली क्या करेगी उसमें कूदेगी इधर पैर मारेगी उधर पैर मारेगी हो सकेगा कि वो वो लीवर पे भी हाथ मारे जिससे दरवाज़ा खुल जाएगा और खाना खा जाएगी तो पहली बार क्या होगा बिल्ली हर जगह पाँव मारेगी इधर उधर तो मतलब जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे तब कहीं वो खोल पाएगी राइट धीरे धिर धीरे अगर अगली बार फिर बिल्ली को उसमें बंद करें तो क्या होगा हो सकता है कि उस बार वो कम ही ट्रायल में उस लीवर को प्रेस कर दे और दरवाज़ा खुल जाए ऐसे ऐसे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ ट्रायल होंगे जो नंबर ऑफ टाइम लगेगा वो कम लगेगा मतलब कम ट्रायल में ही वो दरवाज़ा खोल देगी दैट मीन अब क्या हो गया कि वो लर्न कर गई इससे कैसे लर्न किया उसने अपने बिहेवियर से जो आउटकम आया उससे ये क्या है लॉ ऑफ इफेक्ट आप लॉ ऑफ इफेक्ट के और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि ड्रग एडिक्स एडिक्शन जो हो जितने लोग ड्रग के एडिक्ट होते हैं वो पहली बार मान लो ड्रग लिया उनको अच्छा लगा तो अगली बार क्या करेंगे रिपीट करेंगे फिर से लेंगे और धीरे धीरे क्या होगा वो दे विल बी एडिक्टेड टू दैट ड्रग राइट कोई एक साई एक शर्मिला बच्चा है जो क्लास में कभी नहीं बोल पाता एक दिन क्या होता है कि मान लो कोई टीचर है उसको बुलाते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर कोई क्वेश्चन पूछते हैं समझ लो उससे अगर वो बच्चा उस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे देता है तो क्या होगा अगली बार वो मोटिवेटेड रहेगा उसको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा पॉजिटिव आउटकम आएगा उसका अगली बार अगर मैम उसको बुलाएंगे तो फिर वो आएगा मतलब वो उसकी साइनस क्या हो गई धीरे धीरे कम हो गई दैट मीन वो मोटिवेट हो गया अपने आउटकम से उसने सीख लिया या उसके साथ एक पॉजिटिव आउटकम एसोसिएट हो गया राइट कोई एक एम्प्लॉय है समझ लो किसी दिन ऑफ़िस जल्दी पहुंच गया तो उसके बॉस ने उसको बहुत अप्रिसिएट किया अगली बार क्या होगा वो जल्द ऑफ़िस जल्दी जाने का प्रयास करेगा क्योंकि उसको अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गया या अगर बॉस ने उसके काम से खुश होकर कोई उसको बोनस दे दिया तो क्या होगा एम्प्लॉय क्या होगा काम में और मन लगा के अगली बार काम करेगा इससे उसको बोनस मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे राइट तो मतलब वो जो आउटकम है उसके एक्ट का उससे वो, वो सीख रहा है राइट एक पॉजिटिव एसोसिएशन से, से राइट यही क्या है लॉ ऑफ इफेक्ट सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में हम लॉ ऑफ लर्निंग में अगला लॉ पढ़ेंगे जिसको आप लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू